हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ फूडीज अनीता। तो आज हम सीखेंगे फिश करी, वो भी बिहारी स्टाइल में, बिहार का फेमस डिश। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 kg फिश लिया है। और ये मैंने फ़ौरन के लिए मसाले लिए हैं, जिसमें है जीरा, मेथी और लाल मिर्च और मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के दाने। और ये मैंने लिया है ग्रेवी बनाने के लिए मसाले, जिसमें है जीरा, सरसों के दाने, लहसुन की कलियाँ, अदरक के टुकड़े और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च लिया है मैंने। तो इन सब का मैं पेस्ट बना लूँगी। तो फिर ये मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जिसमें है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो देखिए, मैं वो जो मसाले थे उनका मैं पेस्ट बना लूँगी। एकदम ठीक पेस्ट बनाना है इस तरीके से, अच्छे से इसे हमें पीस लेना है। और ये देखिए, अब मैं ये मछली को जो फिश है उसे मैं मैरिनेट करूँगी। तो उसके लिए मैं 2 चम्मच पीसे हुए मसाले डालूँगी और इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें हल्दी डालना है हमें, तो मैं इसमें हल्दी डालूँगी। फिर लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर दूँगी और फिर धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। और फिर इसमें हमें 1 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड करना है। तो इसे मैं इसमें नमक को ऐड करके इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, एकदम अच्छे से मिला लेना है हमें सारे मसालों को फिश में। इस तरीके से देखिए, हमें अच्छे से मिलाना है। ये बिहार का बहुत ही फेमस डिश है, तो बिहार में ज़्यादातर लोग ऐसी ही मछली बनाते हैं, उन्हें ऐसे ही पसंद आता है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली, बहुत अच्छे से मिलाना है, सारे अच्छे से मिल जाए मसाले इसमें। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कैसा बना था, इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। तो ये देखिए, मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लिया है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपना वो जो कढ़ाई है उसमें जाके तेल गरम कर लेते हैं। तो चलिए, इसे छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, तेल जो है गरम हो चुका है, तो इसमें हम जो हमारा जो फिश था उसे हम फ्राई कर लेंगे इस तरीके से, एकदम डीप फ्राई करना है। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। देखिए, ये फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन तक हमें इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से फ्राई हो चुका है ये। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारे पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप भी ऐसे ही बनाना, जब आपको बनाना हो तो सेम प्रोसेस फॉलो करना। और मैंने सेम तेल में वो जो हमारा जो मसाला था, साबुत मसाला जो हमने फ़ौरन के लिए रखा था, वो इसमें हम डाल देंगे और इसे थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। और अब हम इसमें जो हमारे मसाले थे पीसे हुए वो ऐड कर देंगे। अब जो हमारे सूखे मसाले थे सारे, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, सारे को इसमें डाल के अच्छे से हम इसे रोस्ट कर लेंगे। एकदम अच्छे से रोस्ट करना है इसे, हम अच्छे से ये रोस्ट हो जाए। तो देखिए, ये हमारा जो मसाला था वो रोस्ट हो चुका है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ये रोस्ट हो गया है। और ये जो हमारे जो मसाले थे वो तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे, 4 से 5 गिलास पानी डालेंगे हम इसमें और इसे अच्छे से मिलाएंगे, ताकि जो मसाले हैं पानी से अच्छे से मिल जाएं। अच्छे से मिला लेना है इस तरीके से, आपको अच्छे से मिला लेना है सारे मसाले। तो
तो ये हमारे मसाले मिल चुके हैं, अब हम इसे वेट करेंगे। इसमें जब बॉईल आएगा तो इसमें देखिए बॉईल आ चुका है, तो अब हम इसमें जो टमाटर के जो स्लाइस थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे 1 मिनट तक पका लेंगे। और अब हम इसमें नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालना है, तो यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। तो अब इसमें जो हमारे जो मछली के पीसेस थे अपने ग्रेवी में डाल देना है, सारे पीसेस को मैं डाल दूंगी ग्रेवी में। ग्रेवी डालते समय थोड़ा सावधानी बरते क्योंकि ग्रेवी वो उड़ भी सकता है और आपका हाथ भी जल सकता है, तो थोड़ा उसके लिए उसे डालें तो थोड़ा सावधानी से। तो इसमें मैंने अपने सारे जो पीसेस थे डाल लिए और इसे अच्छे से मैं मिला देना है ताकि ये अच्छे से ग्रेवी में डीप हो जाए। और इसे हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छे से हमें पका लेना है, कुक कर लेना है। देखिए ये हमारा कुक हो गया है ग्रेवी, देखिए हमें ऐसा ही ग्रेवी चाहिए था, तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इसके ऊपर धनिया पत्ते डाल देंगे, धनिया की पत्ती डाल के, और हम इसे आधा मिनट तक पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो फिश करी था रेडी हो गया, एकदम बिहारी स्टाइल में, बिहार का फेमस डिश, बहुत टेस्टी होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।